हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम सब लोग भी अच्छे हैं। तो बस मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ। पूजा में ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, भगवान जी को सिर्फ दो अगरबत्ती लगाती हूँ और तुलसी जी में जल चढ़ाती हूँ। तो बस ये मेरी पूजा हो जाती है। मॉर्निंग में भी भगवान जी को दो अगरबत्ती लगती है। तो चलिए बस कर लेती हूँ पूजा। उसके बाद बच्चों को नाश्ता बनाना है और लंच की तैयारी भी करनी है, साथ में इनका भी खाना तैयार करना है। टिफिन लेके जाएंगे ये, तो उसमें क्या बनाना है। और अभी नाश्ते में तो मैं जो कचौरी का मसाला बच गया था ना, तो वही मैं बच्चों को अभी दे दूँगी, जितनी मतलब एक एक दो दिन कचौरी खा लेंगे नाश्ते में। तो चलिए मिलती हूँ मैं, पहले पूजा कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो बस कचौरियाँ बना दी हैं मैंने, ज़्यादा नहीं बनी है, एक एक कचौरी आएगी सबको नाश्ते में, क्योंकि इतना ही मसाला बचा था। और इनके पापा बोल रहे हैं कि मेरी अभी मत बनाना, इनकी कचौरी मैं बाद में फ्राई करूँगी, क्योंकि इनको खाना है कढ़ी से और कढ़ी को बनने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि कढ़ी को तो आपको पता ही, अभी तो मैंने तैयारी भी नहीं करी, सिर्फ नाश्ता ही बनाया है। तो इनकी कचौरी मैं बाद में फ्राई करूँगी। और पानी आ रहा है, मतलब पीने का नल आया है तो पीने का पानी भरना है। तो बस चलिए पहले मैं पीने का पानी भर लेती हूँ और बच्चों को दे देती हूँ कचौरी। बच्चे खा लेंगे, चटनी से खाएंगे, ऐसी सिंपल सी खा रहे हैं वो, ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं डाल रहे हैं, प्याज व्याज कुछ भी। तो बस इनको दे देती हूँ बच्चों को। और यहाँ पर मैं आ गई थी नली लगाने, तो नली मुझे इस तरह से लगानी पड़ती, क्योंकि यहाँ का जो नल है ना, वो पता नहीं पानी में थोड़ी अजीब सी स्मेल आती है, और जो आगे जो हमारा नया कनेक्शन है वहाँ ठीक ठाक आता है पानी, तो इस तरह से नली लगानी पड़ती है। प्रांजल वीडियो बना रही, प्रांजल बस पानी भर गया है और आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले पकौड़ी बना लेती हूँ। पकौड़ी बनाने के लिए ज़्यादा कुछ झंझट नहीं करना पड़ता है, बस बेसन लेना है, उसमें थोड़ा सा डालना है हींग और डालना हल्का सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के घोल तैयार करके इस तरह से पकौड़ी तोड़ लेते हैं, तो बहुत सॉफ्ट बनती है। मैं इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डालती हूँ, कढ़ी वाली पकौड़ी होती है ना, उसमें बेकिंग पाउडर नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ पर इसको ज़्यादा क्रिस्पी भी फ्राई नहीं करना रहता, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट कड़ी बना पकौड़ी बनानी पड़ती है। तो बस यहाँ पर पकौड़ी बन गई है, उसका थोड़ा सा घोल जो था ना वो मैं डाल रही हूँ कड़ी के अंदर, जो छाँछ है ना उसके अंदर। तो ये छाँछ है ना, दीदी ने भिजवाई थी गाँव से लेके आए थे भाई साहब, तो अच्छी थी, बहुत अच्छी छाँछ थी। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर नहीं डालते हम कड़ी में, और इस बार मैं इस तरह से बना रही हूँ, कई बार छोंक के भी बना देते हैं। तो बस यहाँ पकौड़ियाँ बन गई हैं, तो पकौड़ियों को निकाल के और कढ़ी चढ़ा दी है मैंने पकने के लिए। थोड़ा सा हींग डाला है उसके अंदर, और पकौड़ी थोड़ी सी मैं ज़्यादा ही बनाई है क्योंकि काव्या भी खा लेगी। थोड़ा सा इसमें मैंने कूट के कढ़ी में लहसुन डाला है, और थोड़ा सा डाला है इसमें मैंने मेथी दाना। तो बस ये उबल के इस तरह से हो गई है, और मतलब बन तो बहुत जल्दी जाती है। एक दो हरी मिर्ची इसमें कूट के डाल दी थी और अच्छे से पक गई कड़ी। उसके बाद इसमें डाल दी है पकौड़ी, और बघार के लिए मैं इसमें सिर्फ राई जीरे से ही बघार लगा रही हूँ। आप चाहो तो कड़ी पत्ते से भी बघार लगा सकते हो। तो बस यहाँ पर ये बघार लगा दिया है, और कई बार क्या होता है मिर्ची स्टार्टिंग में नहीं डाल के मैं इस समय डाल के भी बघार लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर ये कड़ी बन गई है, इनके पापा को दे देती हूँ क्योंकि ये खाएंगे कचौरी से, और हम हमारे लिए बनाएंगे चावल। तो कढ़ी चावल लेंगे हम लोग खाने में आज, और ये खाएंगे कचौरी से कढ़ी। तो ये थी आज का मेरा लंच, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लेट गए थे। तो ये है ना रो रही थी, मतलब इसको साड़ी पहनना था तो रो रही थी मेकअप करके बैठी हुई थी। यहाँ पर मैं हेयर ऑयल करने आ गई हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हेयर ऑयलिंग नहीं किया है, तो बस आज हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, उसके बाद कल या फिर एक दिन बाद में हेयर वॉश करूँगी। तो यहाँ पर ये कोकोनट ऑयल है और कलौंजी ऑयल है, दोनों को मिक्स करके और फिर मैं हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। कलौंजी ऑयल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट है, ये मैंने आपको अपने चैनल पे बता रखा है। साथ में मैंने हाउ टू मेक बाय गायत्री पेस्ट पे भी इसका डिटेल में बताया है। और कलौंजी ऑयल और जो कोकोनट ऑयल है, नीम ऑयल है, कस्टर्ड ऑयल है, ये सभी ऑयल के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बता रखा है। ये सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, इनके बारे में जो भी जानकारी है। और ये ऑरिगेंस के प्रोडक्ट हैं,
तो चलिए कर लेती हूँ हेयर ऑयलिंग। और काफ़ी दिन हो गए थे हेयर ऑयलिंग करे, तो मैंने कहा आज कर लेती हूँ। चलिए,